केंद्र का अंतरिम बजट पास हो चुका है और अब अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के बजट की तो वो 5 तारीख को आने वाला है और उसमें व्यापारी कितना खुश है, व्यापारियों को क्या कुछ लाभ हुआ है और उत्तर प्रदेश के बजट से वो क्या कुछ आशा रखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है कई व्यापारी। हम बात करने जा रहे हैं आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी से। तो संजय जी, जो केंद्र का बजट आया है और अब काफी उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट आने वाला है उसमें लाभ मिल सकता है, तो किस तरह से देखते हैं केंद्र के बजट को और उत्तर प्रदेश के बजट से क्या कुछ आशाएं हैं? देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट था वो था अंतरिम बजट और प्रदेश सरकार का जो बजट 5 तारीख को पेश होगा वो पूर्णकालिक बजट होगा। केंद्र सरकार ने चूंकि अंतरिम बजट में जितनी व्यवस्था हो सकती है उतनी व्यवस्था रखी है और हमें लगता है कि केंद्र सरकार को पूरा विश्वास है कि वो रिपीट होने जा रहे हैं। उन्होंने जुलाई के लिए तमाम चीज़ें छोड़ दी हैं, उसमें व्यापारियों के लिए सीधे तौर पर कुछ नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट में सरकार ने जो खाका खींचा है निश्चित रूप से वो व्यापार उद्योग को भी फायदा पहुंचाएगा। जिस तरीके से उन्होंने वंदे मातरम की 41,000 बोगियों को कन्वर्ट करने में, वंदे मातरम में कन्वर्ट करने की बात कही है, वो भी सराहनीय प्रयास है। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने घरेलू बंदरगाहों की कनेक्टिविटी की बात कही है, उससे भी लाभ होगा। महिलाओं को, घरेलू जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी योजना के अंतर्गत दायरा उसका बढ़ाने की बात कही है, ये भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अयोध्या इस समय विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बन रहा है, तो अयोध्या के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने से प्रदेश के व्यापारियों का भी विकास होगा। लेकिन हम लोग तमाम चीज़ें चाहते थे जो इसमें नहीं रही, जो नया इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें ATC की छूट नहीं शामिल थी। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि चूंकि चुनाव है तो इसमें वो छूट शामिल की जाएगी, 8 लाख तक की इनकम को बिल्कुल फ्री किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग चाहते थे कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के चलते देश का व्यापारी बहुत परेशान है, तो ई कॉमर्स पॉलिसी सरकार इस बजट में घोषणा करेगी और रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी लाएगी। ये सारी चीज़ें इस बजट में नहीं थी, लेकिन हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगले जुलाई में जो बजट पेश करेगी उसमें निश्चित रूप से वो व्यापारियों के मुद्दों को रखने का काम करेगी। और प्रदेश सरकार चूंकि इस समय वर्तमान में जो बजट पेश करेगी वो बजट पूर्णकालिक बजट होगा, तो हम लोगों की ये मांग है कि GST में पंजीकृत व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाए। अभी दुर्घटना बीमा उनको मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलना चाहिए। जो व्यापारी GST में पंजीकृत हैं उनको प्रदेश स्तर पर एक व्यापारी पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए ताकि व्यापारियों को पेंशन भी मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बाजारों की सुरक्षा के लिए, बाजारों को और बढ़िया बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उनके अंदर CCTV कैमरे लगाने का प्राविधान होना चाहिए और महिलाओं के लिए और व्यापारियों के लिए प्रत्येक बाजार में जो प्रमुख बाजार हैं उनमें टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें ऐसी व्यवस्था रहे कि कोई भी व्यापारी है तो पार्किंग की एक बड़ी समस्या है, तो पार्किंग का विषय भी हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश सरकार अपने एजेंडे में शामिल करे, क्योंकि पार्किंग और यातायात जाम ये बड़ा विषय पूरे प्रदेश में धीमे धीमे सभी प्रमुख महानगरों में और शहरों में होता जा रहा है। तो प्रदेश सरकार व्यापारियों के लिए इस बजट में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाएगी, ऐसा हम लोगों को पूरी उम्मीद है। GST से जुड़ी हुई कई समस्याएं आपके सामने आती रहती है, आप कई बार इसको लेकर सवाल भी उठा चुके हैं और गुहार भी लगाई है सरकार से, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, GST का विषय भी आना चाहिए था, लेकिन GST चूंकि GST काउंसिल के अंतर्गत ही होता है और GST के विषय सरकार अलग से नहीं करती है, उसको GST परिषद में ही होता है जिसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री उसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सरकार से ये मांग करता है कि GST की विसंगतियों को दूर किया जाए, प्रत्येक जिले में एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें GST के अधिकारी भी शामिल हों, व्यापारी भी शामिल हों और GST को सरल बनाया जाए। GST की जो मूल अवधारणा है वो वन नेशन वन टैक्स की है, लेकिन भारत में संघीय ढांचे की वजह से इसकी मूल अवधारणा कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है और कई स्टेज का GST यहाँ पर आ गया है। तो सरकार को चाहिए कि GST को केवल 2 स्लैब के GST में लाए, इस समय 4 स्लैब का GST है जो कि कहीं ना कहीं महंगा करने वाला, और इनकम टैक्स की जो दरें हैं 30% की दरें बहुत ज्यादा है, उसको भी कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, तो उनसे भी बात करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार के बजट को? नहीं, बहुत अच्छा बजट है और हमें उम्मीद है सरकार से, स्पेशली हम लोगों की यूपी के निवासी हैं और प्रदेश में हम लोग, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का और यहाँ विधानसभा मार्ग व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी अपेक्षा योगी जी से बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी है क्योंकि उनके आज तक के जो काम हम लोगों ने देखे हैं बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान उनको व्यापारियों के इन समस्याओं के, जैसे कि माननीय संजय गुप्ता जी ने बताया कि GST के स्लैब्स जो हैं वो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और हम लोग वैसे भी कहते हैं वन नेशन वन टैक्स, तो वन नेशन वन टैक्स में अगर हम आएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो GST के दायरे में नहीं है, अगर उसको भी लाया जाता है तो रेवेन्यू संभवतः उनको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और बाकी व्यापारी वर्ग उनके साथ है, कुछ और समस्याएं हमारी जैसे कि रोड की, पानी की, पार्किंग की, ये सब समस्याएं हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और मूलतः मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं
एक ऐसी मार्केट का नेतृत्व कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा कंजेशन में है मार्केट, और लखनऊ की लाइफलाइन मानी जाती है विधानसभा मार्ग। आप देखिए कि लखनऊ की जो 40 लाख की पॉपुलेशन है उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं होगा, बचा होगा, जो यहाँ से विधानसभा मार्ग से होके ना गुजरता हो, किसी काम से भी जाए, रेलवे स्टेशन जाए, एयरपोर्ट जाए या अस्पताल जाएगा, तो वो हर जगह से यहाँ से आदमी जरूर निकलता है। बट आप पीक आवर्स में देखिए कि इतना ज़बरदस्त जाम होता है, और कुछ तो इंक्रोचमेंट रोड्स के साइड में हो गया है। तो मैं एक और भी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी कोई मिनिस्ट्रियल या कोई VIP मूवमेंट होता है तो सारी रोड्स खाली हो जाती हैं। तो ये एक जो कंसर्न थाना है, उन लोगों को ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक यहाँ पर है, व्यापार यहाँ पर है, तो उसको रेगुलर वे में इस तरीके का निस्तारण करें उसका, कि पब्लिक को, आम पब्लिक को, आम जनता को और व्यापारियों को दिक्कतें ना हो। आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को जो आने वाला है केंद्र राज्य सरकार का? और दूसरी चीज़, ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी जो आम व्यापारी, उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऑनलाइन के लिए तो हम यही चाहेंगे कि किसी तरह इसके ऊपर जो है नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें हम लोग व्यापारी वर्ग, हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं और उसके बाद में कस्टमर आके अगर हमको ये कहे कि हमको इतने का मिल रहा है ऑनलाइन में, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी नहीं निकल पाती उसमें। तो ये सब चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, तो फिर हम लोग यही चाहेंगे कि भाई इसको थोड़ा सा ईज़ किया जाए ताकि हम लोग के लिए भी सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो सके ना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से व्यापारियों की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि योगी सरकार का जो बजट आने वाला है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी होने वाला है, और केंद्र सरकार का जो बजट आया है उससे काफ़ी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट आ रहा है, इसमें कई लोकभवन वादे हो सकते हैं, लेकिन उसमें व्यापारियों के लिए कोई ऐसे वादे नहीं करे गए जिससे वो खुश होते, लेकिन योगी सरकार के बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।